देख पा रहे हैं किनकी है, किनकी है? हनुमान जी की। कितने लोग जानते हैं हनुमान जी को? सब लोग जानते होंगे ना। भगवान जी इस दुनिया में, हनुमान जी का दुनिया में बहुत ज्यादा पूजा जाता है, क्योंकि सबसे बड़े गुरु भगत लीडर कौन थे? उनके अपलाइन कौन थे? भगवान राम थे कि नहीं? लेकिन उन्होंने उनको हमेशा वो समर्पित होकर काम करे। मेरे दोस्त, हम भी यदि काम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम भी यदि लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, और आप भी यदि कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको आज के बाद एक चीज करनी पड़ेगी। क्या? अपलाइन इज लाइफ लाइन। क्या करना पड़ेगा? इस बिजनेस में यदि आपको आगे बढ़ना है, तो आपको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा? अपने अपलाइन के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? समर्पित होकर काम करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के माइंड में कंफ्यूजन रहता है, अपलाइन कौन है? बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है ना कि सर अपलाइन कौन है? हमारी आईडी जहां पर लगी हुई है, वहां से लाइन ऑफ स्पॉन्सर में बहुत सारे लोग हैं, जैसे यहाँ नीचे नीचे वाले लोगों को लगा होगा। लेकिन मेरे दोस्त, वो इंसान अपलाइन है जिसके प्रति आपका कहीं ना कहीं गुरु भक्ति नजर आ रही है, जहां पर वो आपके लिए सदैव आपके लिए काम करने के लिए ग्राउंड पे अप्लाई करने के लिए तैयार है, आपके साथ चलने के लिए तैयार है, कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार है। दो प्रकार के काम करने के लोग, एक होते हैं कामदारी और एक होते हैं नामदारी। आपको अपना गुरु जो चूज करना है, वो अपलाइन से मैटर नहीं करता है कि आपका लाइफ नो स्पॉन्सर, आपकी आईडी जहां लगी हुई है उनके किन के नीचे लगी हुई है, वो उससे गुरु का कोई मतलब नहीं है। हाँ, आपके एक्टिव अपलाइन हो सकते हैं जो आपके ऊपर आईडी लगी हुई है, जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, लेकिन यहां पर आपको वो चीज चूज करनी पड़ेगी कि जो मैं चाहता हूं, जो गुरु मैं चाहता हूं, वो गुरु मेरे को मिले, वो यहां पर आपको कहीं ना कहीं सिलेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? पहचानना पड़ेगा। क्या? अपलाइन चूज करना पड़ेगा। क्या है अपलाइन? कौन होता है? बहुत सारे लोगों के माइंड में कंफ्यूजन रहता है कि अपलाइन कौन है? अपलाइन हमारा सीनियर है। कौन है अपलाइन? कौन है? यदि आप मेरे को रिवर्ड देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्या है अपलाइन? हमारा कोच है। क्या है अपलाइन? हमारा रोल मॉडल है। क्या है अपलाइन? हमारे लिए इंस्पिरेशन है। क्या है अपलाइन? हमारा गार्जियन है। और अपलाइन हमारा क्या है मेरे दोस्त? कंफ्यूजन में कभी नहीं रहना। आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, तो ये चीजें आपको दिखाई दे रही है। कौन कौन है? अपलाइन ही हमारा सीनियर है, अपलाइन ही हमारा कोच है, अपलाइन ही हमारा रोल मॉडल है, अपलाइन ही हमारे लिए इंस्पिरेशन है, अपलाइन ही हमारे लिए गार्जियन है, और अपलाइन ही हमारा क्या है? गुरु है। मेरे दोस्त, हर इंसान को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है? गुरु की। किसकी ज्यादा जरूरत है? गुरु की। बहुत बार लोग ऐसे सोचते हैं, सर मेरे को फोन आया अपने गुरु जी का, या रोल जो भी आपके अप्लाई है उनका फोन आता है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, सर मैं फ्राइडे ट्रेनिंग में नहीं आऊंगा, मैं तो प्लान करने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा हूँ? अप्लाई ने बोला सर फ्राइडे ट्रेनिंग में पहुंचना है, तो बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, नहीं मानते ना। लेकिन मेरे दोस्त, यदि आपको कामयाब होना है, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, तो एक इंसान की डायरेक्शन में आपको काम करना पड़ेगा, जिनको हम अपलाइन भी बोलते हैं, जिन्हें जो हमारे सीनियर भी है, जो हमारे कोच भी है, जो हमारे रोल मॉडल भी है, जो हमारे लिए इंस्पिरेशन भी है, जो हमारे गार्जियन भी है, और जो हमारे गुरु भी है। समझ में आया कौन होते हैं अपलाइन? लिखा हुआ है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं, बिना ज्ञान के समाज में मान नहीं। हर इंसान को आपने देखा होगा, कुछ लोग पैसा कमा लेते हैं, बहुत सारे लोगों को देखा होगा लाइफ में पैसा कमा लेते हैं, लेकिन उनको रेस्पेक्ट नहीं मिलती, नहीं मिलती। आपको लाइफ में रेस्पेक्ट चाहिए? यस और नो? चाहिए? मेरे दोस्त, एक ही काम करना पड़ेगा, अपने को गुरु सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? गुरु सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहां पर हनुमान जी की दुनिया में पूजा इसलिए होती है कि उन्होंने एक भगवान राम को चुना। यस और नो? भगवान, ये कहावत आज की नहीं है, ये कहावत बहुत पुरानी है, सदियों सदियों से चलती आ रही है। किसी ने जिसने भी लिखी होगी, उन्होंने बहुत जबरदस्त चीज लिखी कि बिना गुरु के ज्ञान भी नहीं मिलता। हर इंसान अपने डायरेक्शन में खुद अपने हिसाब से काम करेगा, तो उसको कभी नॉलेज का कोई पता ही नहीं चलेगा, मैं क्या कर रहा हूँ, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, पता नहीं चलेगा। लेकिन यदि हमने एक रोल मॉडल सेलेक्ट किया, हमने एक गुरु को सेलेक्ट किया, तो हमारा समाज में मान भी बढ़ेगा, और हमको कहीं ना कहीं ज्ञान भी मिलेगा। दोस्त, यहाँ पर लिखा हुआ है, सक्सेसफुल पर्सन विद देयर कोचेस। लाइफ में हर इंसान वो सक्सेस हुआ है जिसके पास एक कोच है, जिसके पास एक गुरु है। हर वो इंसान दुनिया में महान बना है जिसके पास एक कोच है या उसका गुरु है। आप देख पा रहे होंगे दुनिया में क्रिकेट का भगवान कौन है? कौन है? जोर से, सचिन तेंदुलकर के भी गुरु थे,
रमाकांत आचार्य जी थे, यहाँ दिख रहे हैं ना आचरेकर जी, रमाकांत आचरेकर जी भगवान सचिन तेंदुलकर के भी गुरु थे। अब सचिन तो क्रिकेट के भगवान है, उनको मन नहीं मानना चाहिए था ना गुरु। लेकिन यदि लाइफ में कामयाब होना है, जितने भी लोग सक्सेसफुल लोग हैं उनके कहीं ना कहीं गुरु है। आप देख रहे होंगे उधर, यहाँ पर साइना नेहवाल की फोटो देख पा रहे होंगे, देख पा रहे ना, उनके भी गुरु थे। हर एक इंसान को सक्सेसफुल लोगों के कहीं ना कहीं दोस्त गुरु होता ही है। बिना गुरु के हम लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो सकते। क्या आपके पास आपका गुरु है? सवाल मेरा आपसे है, क्या आपके पास आपका गुरु है? क्या आपके पास आपका गुरु है? क्या आपके पास आपका रोल मॉडल है? क्या आप किसी की बात मानते हैं? अगेन अपने आप से सवाल करो, क्या आपके पास आपका गुरु है? क्या आप किसी को रोल मॉडल मानते हैं? क्या आप किसी की बात मानते हैं? यदि यस, यस या नो, यस, तो फिर ये आपके लिए है। चलो सुनिए, वाई गुरु, गुरु की जरूरत हमको क्यों है? बहुत लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, सर गुरु क्यों मानूं, रहता है कि नहीं रहता? बहुत सारे लोगों के मन में सवाल चलते हैं, क्योंकि मेरे दोस्त गुरु से हमको एक चीज मिलती है, वो एक्सपीरियंस। क्या मिलता है? क्या मिलता है? से लाउडली, गुरु हमको गाइडलाइन देता है। क्या देता है? गुरु हमको क्या देता है? गुरु हमको ट्रेनिंग देता है। क्या देता है? गुरु हमको इंडिपेंडेंट बनाते हैं। क्या करते हैं? गुरु हमको क्यूरियस बनाते हैं। क्यूरियस मतलब क्या होता है? जिज्ञासु, जिज्ञासा पैदा करते हैं। गुरु क्या करते हैं? और गुरु हमको रिचार्ज करते हैं जब हम डिस्चार्ज हो जाते हैं। क्या करते हैं? आवाज क्यों नहीं आ रही? क्या करते हैं? गुरु की जरूरत क्यों है? क्या कारण है गुरु की जरूरत? समझ में आया? बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है, मैं क्यों गुरु बनाऊं सर? मेरे दोस्त, कामयाब यदि आपको जिंदगी में होना है तो एक गुरु को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि गुरु आपको एक्सपीरियंस देता है, गुरु आपको गाइडलाइन देता है, गुरु आपको ट्रेनिंग देता है, गुरु आपको इंडिपेंडेंट बनाता है, गुरु ही आपको क्यूरियस बनाता है, और गुरु ही आपको बार बार रिचार्ज करता है। आपके मोबाइल को चार्जर की जरूरत पड़ती है? बिना चार्जर के क्या आपका मोबाइल चल सकता है? चल सकता है? बिना चार्जर के क्या लैपटॉप चल सकता है? इसीलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। क्या है अपलाइन, क्या है गुरु? बहुत सारे लोगों के मन में फिर भी जरूरत पड़ी जाती है कि सर और कुछ क्लियर करो। तो मेरे दोस्त, मानोगे तो सबसे पहले गुरु एक एहसास है। क्या है? क्या है? गुरु एक एहसास है। क्या है? जोर से बोलो, गुरु एक फीलिंग है। क्या है? मानना नहीं है, महसूस करना है। बहुत सारे लोग फोन पे डीपी लगा के रखते हैं। क्या करते हैं? फोन पे डीपी लगा के रखते हैं, लोगों को दिखाते भी हैं लेकिन मानते नहीं है। ऐसा होता है? फोन पे डीपी लगा, भगवान हनुमान जी ने फोन पे डीपी लगाई थी क्या? क्या किया था? ऐसा फाड़ के दिखाया था। तो क्या रखना है गुरु को? एहसास कहां रहता है? फीलिंग कहां रहती है? अपलाइन भगवान है। भगवान को आज तक देखा आपने? नहीं देखा ना, लेकिन गुरु को हम रोज देखते हैं। देखते हैं अपलाइन क्या है? फिर कुछ लोगों की आवाज नहीं आ रही। अपलाइन क्या है? और भगवान की क्या करनी पड़ती है? भक्ति। क्या करनी पड़ती है? उनके लिए समर्पित होना होता है। क्या होना होता है? फोटो लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन भगवान की भक्ति करनी। क्या आपके पास आपका गुरु है? क्या आपके पास आपका रोल मॉडल है? क्या आप किसी की मानते हैं? क्या आप उनकी भक्ति करते हैं? क्या आप उनके प्रति समर्पित हैं? तो हनुमान चालीसा में एक दोहा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? प्रभु चरित्र सुनिबे रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। लिखा हुआ है यदि आप ऐसा करेंगे तो अपने आप भगवान की उनकी आत्मा में बस जाएंगे, और वो एहसास और जो फीलिंग है, जैसे जैसे आप अपने गुरु के प्रति समर्पित होंगे, गुरु भी आपके प्रति समर्पित हो जाएगा। क्या कई बार आपने देखा होगा ना लाइफ में, कई बार एक मुसीबत छोटी सी आती है और तुरंत अपलाइन का कॉल आ जाता है, यस और नो? ऐसा हुआ आपके साथ? मेरे साथ बहुत बार हुआ है। जब मैं कभी ऐसा मन में उदासी आ जाती है, कभी ऐसा लगता है यार लाइफ में पर्सनल प्रॉब्लम्स को लेकर आदमी कभी टेंशन में रहता है, तो तुरंत फोन आ जाता है, और जैसे फोन पे हेलो बोलते हैं तो सर बोलते हैं सामने से,
क्या दिक्कत है सर आज? समझ गए आप क्या कारण है इसका? एहसास है। क्या है? फीलिंग्स है। क्या है? तो समझ में आया आपको? क्लियर हुआ? क्या आपके पास आपका गुरु है? क्या रोल मॉडल है? तो कुछ चीजें आपको समझनी है। गुरु जिनको भी आपने सेलेक्ट किया है, जो भी आपके गुरु हैं, उनको आपको सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे लोगों के मन में क्लियरिटी आ जाती है, डाउट आ जाता है। क्या आ जाता है? जैसे ही अप्लाई ने बोला सर ऐसे करना है, बोले सर इसकी जगह ऐसे कर ले तो होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है कि नहीं होता? बहुत सारे लोग सुनते कम और बोलते। यदि आपका गुरु आपके साथ में है तो आपको बोलने का कोई हक है? बोलना ही नहीं है दोस्त, बोलना ही। अपलाइन की बात को काटना, बहुत सारे लोग अपने आप को समझदार प्रस्तुत करने के चक्कर में अपलाइन की बातों को काट देते हैं। कहीं प्लान पे गया, अपलाइन को लेके हम प्लान पे गए और प्लान दिखाने के साथ साथ बीच में चक्कर चक्कर हम करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? करते हैं कि नहीं करते? यदि आपका गुरु आपके साथ में है तो आपको बीच में बोलने की जरूरत, आपकी बात काटने की जरूरत। आपके गुरु है, आप गुरु उनको मानते हैं, आप उनकी बातों में एहसास है, फीलिंग्स है आपके अंदर उनके लिए, तो आपका कोई हक नहीं बनता कि आप उनकी बात को काटे। ऐसा पॉसिबल है? बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा। तो आज के बाद आपको क्या बनना है? गुड लिस्नर। क्या बनना है? एक और चीज लिखी है, गुरु के बारे में न पूरा बोलना है न सुनना है, गुरु के बारे में न बोलना है और न बोलना है और न। आवाज क्यों नहीं आ रही आपकी? सीरियस हो गए। आज के बाद यदि आपने गुरु को सेलेक्ट कर लिया तो गुरु के सामने आपको अच्छा लिस्नर बनना है। क्या करना है? अच्छा क्या बनना है? आज के बाद आपको गुरु की बात सुननी है, ना कि आपको सुनानी है। समझ गए? क्या करना है? आपको अपनी सफाई नहीं देनी, आपको अपनी सफाई। हमको हमेशा अपलाइन में कमियां नजर आती है। क्या नजर आती है? क्यों भाई? यदि आपने अपने गुरु को सेलेक्ट किया है तो कमियां नजर, कमियां तो यार भगवान में भी तो है। कमियां भगवान में नहीं है क्या? नहीं है? है कमियां दुनिया में सब में, लेकिन हमारा काम क्या है? हमने जिस इंसान को गुरु सेलेक्ट कर लिया दोस्त, उसके बाद हमको कभी ये मौका नहीं लगना चाहिए कि हम उनकी बातों को काटे, हम उनकी बातों को नहीं सुने, हम उनके बारे में बुरा भला बोले। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कभी प्लान फॉलो पे गए होंगे, मेरे साथ की घंटा बताता हूं। एक बार मैं किसी फॉलो पे गया और फॉलो पे जाने के बाद मेरे सामने वाले ने बंदे बोला, जैसे आपने चेक इन किया होगा तो वो भी बंदा कहीं एसओएस ट्रेनिंग करके आया था या कोई ट्रेनिंग ऐसी करके आया था, मुझे आइडिया नहीं है कौन सी ट्रेनिंग करके आया था। तो मैं उस बंदे के पास गया तो वो बोला सर मेरे को सही नहीं लगा, मेरे को रूम एक घंटे बाद में मिला और वहां पर वो आपके जो सर है ना, उनका स्वभाव मेरे को अच्छा नहीं लगा, वो गलत आदमी है। मैंने उस बंदे का 19 आईडियो का पेमेंट उसको बोला नहीं कराना, आज के बाद मेरे को तेरी जरूरत नहीं इस धंधे में। आपको समझ में आया? आप होते तो आज के बाद यही करना है, धंधा अपने आप हो जाएगा दोस्त। धंधे की चिंता नहीं करनी, धंधे की चिंता किसकी करनी है? अपलाइन की। किसकी चिंता करनी है? क्या आपकी बाउंडिंग आपके अपलाइन के साथ सही है या नहीं है, ये आपको चिंता करनी है। आपको यदि जिंदगी में बनना है, मैंने कल बोला था, बनना है तो ताजमहल की नींव का पत्थर बनना। मेरे दोस्त यदि बनना है आपको तो अपने टीम के प्रति, अपने गुरु के प्रति इतना समर्पित हो जाना है कभी टीम के अपलाइन के मुंह से यदि आवाज निकले तो उसमें पहला नाम आपका होना चाहिए। क्या बनने के लिए तैयार है? बनने के लिए तैयार है? कुछ चीज यहां पर लिखी हुई है, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करीबे आतुर। क्या मतलब होता है इसका? क्या मतलब होता है कोई बताएगा? हमारे साथ एक प्रॉब्लम है, यहां लिखा हुआ देखो, विद्यावान गुणी अति चातुर। कुछ लोग अपने जब आपको स्मार्ट समझते हैं, क्या करते हैं? अपने आप को क्या समझते हैं? स्मार्ट समझते हैं। गुरु के सामने आपको स्मार्ट, हो सकता है आपका गुरु आपसे कम पढ़ा लिखा हो सकता है आपका गुरु आपसे टेक्निकल में कुछ समस्या में कहीं पीछे हो, लेकिन आपको कुछ भी, जो गुरु है वो
गुरु है। पत्थर की पूजा किसने करी है? सबने करी है, सबने करी है ना, सबने करी है। मेरे दोस्त, आपका गुरु आपके सामने है, आपके साथ हमेशा रहते हैं, आपके साथ हमेशा काम को करते हैं, लेकिन हमको उनमें डाउट नजर आते हैं और हमको पत्थर की मूर्ति में डाउट नजर रहे। इसका मतलब क्या दिक्कत है बताए? विश्वास नहीं है। क्या नहीं है? तो आज के बाद आपका मेंटर सेलेक्ट करेंगे, करेंगे, करेंगे। बहुत सारे लोग अपलाइन से नाराज रहते हैं। क्या रहते हैं? क्यों रहती है बताए? कौन बताएगा मेरे को? कोई बताएगा? कौन बताएगा क्यों अपलाइन से बार बार गुस्सा आता अपलाइन के ऊपर? हाँ सर बताओ। अच्छा जी, सर के लिए तालियां बजाओ। सर नकल में भी अकल की जरूरत पड़ती है। सर ने खोल दिया और आपने। मेरे दोस्त, यदि आपको जिंदगी में कामयाब होना है, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, जिंदगी में यदि आपको कामयाब होना है तो अपलाइन से कभी नाराज। भगवान से कितनी बार नाराज हुए आप? नाराज हुए क्या कभी? और हो भी गए तो कोई फर्क पड़ा भगवान को? हमारे जैसे 8 अरब लोग हैं, हमारे जैसे कैसे? लेकिन 8 करोड़ के पास भगवान तो, 8 अरब के पास भगवान। अब किसको किसकी जरूरत है? हमको भगवान की जरूरत है या भगवान को हमारी जरूरत है? क्या है, किसकी जरूरत है? भगवान की। किसकी जरूरत है? आप समझ जाओ। एक बार महाभारत का युद्ध चल रहा था। क्या चल रहा था? तो अर्जुन जब युद्ध जीतने के बाद भगवान कृष्ण को बोलते हैं कि देखा भगवान क्या ताकत है त्रिशूल में, वो जो क्या चलाते हैं तीर में, और उस तीर की वजह से मैंने युद्ध जीत लिया। तो भगवान ने बोला जो अर्जुन तो देख रहा है ना वो सही नहीं है। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले भगवान ये युद्ध मैंने जीत लिया, ये मेरी कलाकारी है। तो भगवान ने बोला, बोले देखना चाहता है पावर किसकी है, देखना चाहता है पावर किसकी है। तो भगवान ने क्या किया, रथ पे से अर्जुन को बोला कि अर्जुन उतरो रथ से। बोले सर मैंने युद्ध जीता है, मैं क्यों उतरू? बोले आप उतरो नीचे। नीचे उतरे तो रथ के कोई फर्क नहीं पड़ा। भगवान जैसे ही युद्ध रथ से उतरे, रथ गोल गोल घूमने लग गया। अर्जुन को 2 मिनट में एक चीज समझ में आ गई कि बोझ किसका था? भगवान श्री कृष्ण जो डायरेक्शन दे रहे थे ना, उनका सबसे बड़ा अहम रोल था। किसका था? भगवान श्री कृष्ण का सबसे ज्यादा रोल था। दोस्त, गुरु ने आपको कुछ युद्ध में तलवारें दी या नहीं दी, आपके साथ प्लान फॉलो करे या नहीं करे, आपके साथ ग्राउंड पे गए या नहीं गए, लेकिन आपको डायरेक्शन दी या नहीं दी? दी। आपको ट्रेनिंग दी या नहीं दी? क्या लगता है आपको काम करने के लिए गुरु ने आपको तैयार कर दिया ये कम है? एक इंसान से जीरो को उठा के हीरो वाला बना दिया क्या कम है? मेरे दोस्त, सबसे बड़ी नाराजगी हम अपलाइन से इसलिए करते हैं, हम सपोर्ट की करते हैं उम्मीद। क्या करते हैं? उम्मीद करते हैं कि गुरु आएंगे हमारे को प्लान फॉलो करवाएंगे। क्या करेंगे? प्लान फॉलो, लगातार हमारे साथ फील्ड में रहेंगे, हर जगह हमारे को कोऑपरेट करेंगे। हम सबसे ज्यादा बड़ी क्या करते हैं? उम्मीद कर लेते हैं। क्या करते हैं? आज के बाद यदि आप जिसको गुरु मानते हैं उनसे क्या नहीं करनी? उम्मीद नहीं करनी। क्या नहीं करनी? करोगे? आपके मन में कभी नाराजगी आएगी नहीं? आपके मन में नाराजगी आएगी नहीं, तो आज के बाद नहीं करेंगे ना उम्मीद। हम सबसे ज्यादा गुस्सा उन लोगों पे होते हैं जिनसे उम्मीद करते हैं और उम्मीद पूरी चाहे वो घर में हो चाहे कहीं पर भी हो। तो आपको फिर से अपने आप से वही सवाल पूछना है, क्या आपके पास आपका मेंटर है? क्या आपके पास आपका रोल मॉडल है? क्या आप उम्मीद करते हैं? क्या आप उम्मीद करते हैं? नहीं, तो फिर आपके लिए सही है। इन चीजों का आपको ध्यान में रखना है। यदि अपलाइन आपके साथ में है, आप अपलाइन के साथ किसी प्रोग्राम में, मीटिंग में, ट्रेनिंग में मौजूद है, तो कुछ चीजें आपको माननी है। फोन दूर रखना है। क्या करना है? अच्छी बातों को ध्यान से सुनना है और ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपलाइन को प्लान पे ले जाते हैं और प्लान तो अपलाइन दिखाता रहता है और खुद बीच में मोबाइल चलाते रहते हैं और फिर कहते हैं सर जल्दी करो अगले प्लान पे भी चलना है, ऐसे बोलते हैं ना।
ऐसा बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते होंगे एक ही बात को बार बार, ऐसे सुने जैसे पहली बार सुन रहे हैं। पुरानी यादें ना ही दोहरानी है। कई लोगों को मैंने देखा है बोले गुरुजी 2 मिनट का समय चाहिए और 2 मिनट को आधे घंटे तक अपनी बातें सुनाई जा रहे हैं। आखिरी में गुरुजी कहते तूने जो बोला वो समझ ही नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो हमको शॉर्ट एंड सिंपल में जो बातें हैं वो बता देनी है जो भी है। हमको ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। एज फैक्टर काम करेगा। आपका गुरु आपसे छोटा भी हो सकता है, आपका गुरु आपसे बड़ा भी हो सकता है। मेरे दोस्त उसको उनको इस बिजनेस का ज्यादा नॉलेज है, उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, कोई बड़ी बात नहीं है यार कि एज फैक्टर यहां पर काम नहीं करता है। एज फैक्टर इस बिजनेस में कोई काम, आपको आज के बाद अपना गुरु सेलेक्ट करना है। कई लोग गुरु के आगे आगे चलते हैं, क्या करते हैं कई बार मैंने देखा है, सर आप बीच में खड़े होना, खुद खड़े हो जाएंगे, दोनों तरफ अपने अपलाइनों खड़े करके बोलेंगे, फोटो खिंचवाएंगे जैसे बाउंसर खड़े हो। गलत है सर। यदि गुरु आपके हैं साथ में है तो आपको दोनों साइड खड़ा होना है, गुरु को साइड में खड़ा आपको ध्यान रखना है चीजें। उनके आगे भी नहीं चलना है, उनपे हंसना भी नहीं है, गलती किसी से भी हो सकती है ना। कई बार हमको अपलाइन की बात मजाक में ले लेते हैं, कई बार हम क्या करते हैं अपलाइन की बातों को मजाक में ले लेते हैं, उनपे हंसने लग जाते हैं। आज के बाद उनपे हंसना, कहने से पहले उनका काम कर देना है, कहने से पहले उनका काम कर देना है। उनको कहने की जरूरत, क्योंकि मैंने कुछ देर पहले एक चीज बोली थी, अपलाइन क्या है एहसास है, क्या है अपलाइन क्या है फीलिंग्स है, अपलाइन क्या है अपलाइन का पैसा यूज नहीं करना है, क्या नहीं करना है। सबसे बड़ी समस्या यही आती, मेरे पास एक बंदा आया बोले सर मेरे को पैसों की जरूरत है, मैंने मेरे अपलाइन से पैसे मांगे वो दे ही नहीं रहा। मैं कि सर वो नहीं होंगे उनके पास। बोले सर मेरे काम करने से उनको पैसा आ रहा है तो उसमें आधा दे देगा तो क्या फर्क पड़ेगा। मैं कि उनके पास आधा आ रहा है वो कितना ही आ रहा है, यदि आपको आधा दे देगा तो आप अपनी टीम को दे पाओगे। बोले मैं क्यों दूंगा, आप अपने अपलाइन से 100 रुपए ले रहे हैं, आपके पास अपलाइन एक है लेकिन डाउनलाइन कितनी है, सबको 100-100 देने पड़ेंगे। फिर क्या करना पड़ेगा, अपलाइन के पैसे पे आज के बाद आपको हक जताने की जरूरत, इंक्वायरी नहीं करनी है, क्या नहीं करनी। ऐसे फोन करते हैं सर कहां हो, क्या करते हैं, हेलो सर कहां हो, आपको क्या करना, कहीं हो, आपको पूछने का हक है, आपको पूछने का हक है। बहुत सारे लोग पूछते हैं, मैं भी पहले शुरुआत में आते ही पूछता था सर कहां हो, बाद में मेरे को समझ में आया बिजनेस नहीं। तो आज के बाद आपको इंक्वायरी नहीं करनी है, क्या नहीं करनी, इंक्वायरी नहीं करनी। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर कहां हो, बोले सर मैं कहीं आया हुआ था मीटिंग, वहां क्यों गए हो सर, किसके साथ गए हो, अच्छा सर मैं अच्छा सर आजकल आप उनके साथ ज्यादा ही जा रहे हो। आपको क्या करना है भाई, आपको भगवान से कभी पूछा क्या है, भाई मैं शंकर भगवान की पूजा करने गए मंदिर में सोमवार को, बोले भगवान कहां हो, बोले मैं अभी तो यार हनुमान जी के साथ, बोले हनुमान जी के साथ क्यों गए, रावण के साथ क्यों नहीं गए, पूछा क्या कभी किसी ने, नहीं। बोले आप आज घूमने क्यों गए हो, पूछा किसी ने। लेकिन हम मैक्सिमम बार क्या करते हैं, अपलाइन से सारे इंक्वायरियां करते रहते हैं, करते हैं कि नहीं करते, नहीं करनी है मेरे दोस्त, आज के बाद नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों की एक और समस्या है, अपलाइन ने फेसबुक पे कुछ पोस्ट डाली, ग्रुप में कोई मैसेज डाला, बहुत सारे लोग लिखते हैं गुड सर, क्या लिखते हैं, क्या लगता है आपको सही लिखा आपने, सही लिखा ना, चेक करो अभी, बहुत सारे लोगों ने लिखा है गुड सर, 2-3 शब्द है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना, जी गुरु जी, क्या लिखना है, जी सर, ओके सर, आपको नहीं लिखना गुड सर, वेल डन सर, बहुत बढ़िया, वाव सर, हाँ। ये आपको अपने गुरु के, गुरु ने यदि आपको कुछ पोस्ट पे कमेंट डाला है तो आपको ये नहीं लिखना है। मैक्सिमम लोग ग्रुप में रिप्लाई भी नहीं करते, गुरु ने कुछ पोस्ट करी तो बहुत सारे लोग रिवर्ट भी नहीं करते, क्या लगता है आपको, अपलाइन को पता नहीं लगता क्या है, आप सोते कहां हो, खाते क्या हो, रहते क्या हो, करते क्या हो, एक एक चीज अपलाइन को पता है, एक एक चीज वो फेस रीडिंग करके बता देता है आप क्या बोलने वाले हो। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि अपलाइन को कुछ भी
आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो? अपलाइन को कुछ भी नहीं पता मेरे दोस्त, अपलाइन को सब कुछ पता है, लेकिन आज के बाद इन चीजों का आपको ध्यान में, आज के बाद ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे, पक्की बात है। गुड सर नहीं लिखेंगे, क्या नहीं लिखेंगे? गुड सर नहीं लिखेंगे, नहीं लिखोगे, इंक्वायरी नहीं करोगे। बहुत सारे लोग करते हैं आज, बोले सर कहाँ हो, बोले मैं सर इधर टॉप फाटक की तरफ। तो यार सर मेरा एक बंदा है, उससे आप मिल लो ना, क्या बोलते हैं, मेरा एक बंदा है सर, उससे आप जाके मिल लो ना। हम क्या कर रहे हैं, गुरु को आदेश दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, उसकी जगह यदि हम रिक्वेस्ट कर लेते कि सर मेरे को आपका थोड़ा सा समय चाहिए होता था, और मेरे को आपका समय मिल जाता तो मैं वहां पर पहुंच रहा हूं, मेरा एक बंदा है उसके मैं आपसे मिलवा देता, मेरे को आपका थोड़ा समय चाहिए, ऐसा होता है कि नहीं होता? लेकिन हम क्या करते हैं, बोले गुरुजी मैं तो हूं सिरसी, मेरा एक बंदा है आगरा रोड पे, और वहां पर एक बंदे से मिलना है, सर आप मिल लोगे क्या? ये गलत है सर। क्या है? गलत है। क्या है? आपका कोई गुरु है? आपका कोई गुरु है? कोई अपलाइन है? कोई मेंटर है? किसी आप एक की बात मानते हैं तो आपको ये चीजें नहीं करनी। तैयार हो? तैयार हो? एक बार और याद कर लो, फिर आप मत बोलना मेरे को क्या क्या लिखा हुआ है। फोन से दूरियां, अपलाइन के साथ में हो तो फोन बंद, क्लियर? गुरु आपके साथ में है तो फोन, अच्छी बातें ध्यान में रखनी है, सुननी है और लिखनी है। कौन से टाइम, कौन सा गुरु मंत्र आपको मिल जाए और आपको ब्रांड एम्बेसडर तक ले जाए, मेरे दोस्त ये हमारे लिए सबसे प्लस पॉइंट है। अच्छी बातें स्टोर करके रखनी है। थैंक यू। एक ही बात को बार बार ऐसे सुनना है जैसे पहली बार सुन रहे हो। पुरानी यादें नहीं दोहरानी है, पुराने गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उखाड़ते रहते हैं। अब संसार में कभी ओढ़ आता है क्या? नहीं आता ना। तो पुरानी बातें कभी भी उनके आगे नहीं चलना है, अपलाइन के आगे उनपे हंसना भी नहीं है, अपलाइन का पैसा यूज में इंक्वायरी नहीं करनी है। और गुड सर तैयार हो? नेक्स्ट। बहुत सारे लोगों के साथ एक और समस्या है, एडिफिकेशन। क्या समस्या है? अपने अपलाइन का एडिफिकेशन नहीं कर पाते मेरे दोस्त। सबसे बड़ी समस्या क्या है, कितने लोगों को आता है एडिफिकेशन करना? बहुत सारे लोगों को नहीं आता होगा। एडिफिकेशन करने का एक तरीका है, बहुत सारे लोग ऐसे एडिफिकेशन करते हैं कि सर मैं आपको एक सर से मिलवाऊंगा जिनका नाम है महावीर सर, और रहने वाले जयपुर के ही है सर, 3 साल पहले असली पीएस में काम की स्टार्टिंग करी थी और आज 1 करोड़ रुपए कमा चुके हैं और ऑडी कार में चलते हैं, किसी को कोई फर्क पड़ेगा? अच्छा आपको कोई फर्क पड़ता है शाहरुख खान के पास 5,000 करोड़ की संपत्ति है, कोई फर्क पड़ेगा? अक्षय कुमार के पास 2,500 करोड़ की संपत्ति है, कोई फर्क पड़ेगा? मोटिवेशन आएगा? हाँ धनवीर सर नींद आ रही है, फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता दोस्त। फर्क इस हिसाब से पड़ता है कि आप अपने अपलाइन का एडिफिकेशन सामने वाले के पास में कैसा करते हैं, और एडिफिकेशन दिल से निकलता है। किससे निकलता है? यदि एक इंसान को यदि आप मानते हैं रोल मॉडल, एक इंसान को आप गुरु मानते हैं, तो उनका एडिफिकेशन अपने आप यहां से निकलता है, करने की जरूरत। आज के बाद एडिफिकेशन आपको करना है कि सर मैं आपको एक ऐसी सक्सेस से मिलवाने जा रहा हूं जो एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, किसान परिवार में मिडिल क्लास परिवार में पैदा होने के बाद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करने के बाद इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया, इंडियन आर्मी की नौकरी से रिटायरमेंट आने के बाद हर इंसान चाहता है कोई गवर्नमेंट की नौकरी मिले, कोई जॉब मिले, प्राइवेट जॉब मिले घर परिवार चलाने के लिए। लेकिन सर ने क्या किया, आज से कुछ समय पहले उनको एक ऐसी शख्सियत मिली जिनसे मिलने के बाद उन्होंने एक डिसीजन लिया, मिस्टर महेंद्र सर मिस्टर नरेंद्र सर से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने एक डिसीजन लिया, और उस डिसीजन की पावर यह है सर आज मात्र 3.5 साल में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक ऐसी पहचान बना चुके हैं, ऑडी A4 जैसी कार में चलते हैं, आज 10,000 से ज्यादा लोग सर से कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, ऐसी शख्सियत का टाइम मैंने सर आज आपके लिए लिया है। और सच बता रहा हूं यदि सर की बातों को आपने 10 से 15 मिनट ध्यान से सुन लिया ना सर, आपकी लाइफ में आमूलचूल परिवर्तन आएंगे, आपकी लाइफ आज के बाद 15 मिनट के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएगी। क्या अगले बंदे की मजाल है वो 15 मिनट नहीं सुने? लेकिन आप करते हैं एडिफिकेशन?
नहीं करते। समस्या यही तो है, हम एडिफिकेशन नहीं करते सर। यदि आप किसी को अपलाइन मानते हैं, आपका अपलाइन कहीं गया है, प्लान खोलो, मीटिंग, ऑब्जेक्ट, कहीं पर भी, सर दोस्त सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है? दोस्त समझो नरेंद्र मोदी जी पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा चेहरा है, लेकिन यदि आज भी जयपुर दौरे पे आएंगे तो एक महीने पहले से हवा बनना शुरू हो जाती है। कितने महीने पहले से? मैं आपको सच बता रहा हूं, अपलाइन से बिना मिलाए आप क्लोजिंग निकाल सकते हैं, लेकिन आपको अपने अपलाइन की हवा बनानी पड़ेगी। अपलाइन से मिलवाने की जरूरत भी, लेकिन आप तो खुद क्या बन जाते हैं? तो तुरम खा नहीं, बंदूक, खुद ही बढ़ जाते हैं सब फटाके। बोले सर आज से 6 महीने पहले असली बेस में काम चालू किया था और आज एक गोल्ड रैंक। बोले खाते में पैसे कितने आए, चेक दिखा। बोले सर बैंक जाके स्टेटमेंट ला दूंगा, टेंशन मत लो, कुछ आए होंगे तो दिखाएंगे ना। बोल ही ऐसा देते सर 1,00,000 रुपए कमा लिए। अब अगला भी समझता है गोल्ड में तो 25,000 दिखा रहे और खुद बोल रहे 1,00,000 कमा लिए। बोलते हैं कि नहीं बोलते? गलत कभी नहीं बोलना है मेरे दोस्त, जो आया है वही बताना है, जितना टाइम हुआ उतना ही बताना है। और सबसे बड़ी बात एडिफिकेशन करना है। किसका एडिफिकेशन करना है? आपको नहीं बनना, आपको तो फिटकड़ी बम नहीं बनना है। क्या करना पड़ेगा कामयाब होने के लिए? क्या करना पड़ेगा? एक ही काम करना पड़ेगा। आपके गुरु ने आपको कुछ भी बोला, आपको एक ही चीज बोलनी है। क्या बोलना है? क्या बोलना है? क्या करना है? क्या करना है? कुछ भी बोले, गुरु ने आपको बोला आज रात को सूरज उगने वाला है, आपको क्या बोलना है? ऐसे बोलोगे? आपको गुरुजी ने कुछ भी बोला कि आज रात को सूरज उगने वाला है, तो आपको क्या बोलना है? क्या बोल